आज मैं खेलने जा रहा हूँ नेदरमाइंड्स एमपी सीजन वन, और मैं अभी बनाने जा रहा हूँ एपिसोड 3। और बेसिकली आज मैं वॉर की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। अब आप कुछ बहुत सारे लोग कहेंगे वॉर क्यों हो रही है एसएमपी में। भाई जिनको नहीं पता वॉर क्यों हो रही है तो ये वाली वीडियो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ वॉर की प्रिपरेशन का, क्योंकि टाइम बहुत बड़ी हो गई थी वीडियो, इस वजह से ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो। एसएमपी में आते ही मैं सबसे पहले जितनी भी ऑब्सीडियन की चीज़ें हैं मैं वो तोड़ने लग गई, बिकॉज ये जो जितने भी एसएमपी मेंबर्स हैं इनको नेदर पोर्टल अगर चाहिए हो जा लेने के लिए तो इनके पास नेदर पोर्टल भी ना हो। इस वजह से सॉरी यार रहीम सेवन स्काई और ईआर के मैं सारा वो ऑब्सीडियन ले गया वो नेदर पोर्टल का। फिर मैंने सोचा कि इंचानमेंट टेबल का सेटअप हो प्लस इंचानमेंट टेबल भी ले जाता, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी, क्योंकि भाई वॉर हो रही है अब क्या फ़ायदा है। मतलब भाई अब ज़रूरत है चीज़ों की तो मैं ले ही जाता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें इस वजह से ले कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक न्यू बेस बनाना था मेरा। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो लोग मुझे वहाँ से मेरे चीज़ें चोरी कर लेंगे, इसलिए मैं तो न्यू बेस बनाने जा रहा था और न्यू विलेज फाइंड करने जा रहा था। मैं मेरा पहला टास्क ये है कि मैं विलेज फाइंड करूँगा, फिर मैं रेड कराऊँगा और उसके बाद फिर मैं डायमंड कार्नर बनाऊँगा प्लस डायमंड फॉर्चून 3 पिकैक्स बनाऊँगा। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये मतलब। तो बहुत देर तक फाइनली मुझे यहाँ पे लैंड दिख चुका था और फिर मैं जल्दी से जल्दी विलेज ढूंढने का वो टास्क पर ध्यान देने लग गया। और यहाँ पे मेरी स्किन पता नहीं कैसे गायब हो गई, पता नहीं क्या ग्लिच था। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी केव दिखी जिसको मेरा दिल तो कर रहा था एक्सप्लोर करने का, बट फिर मैंने इसे एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज इसमें मेरा टाइम वेस्ट ही होना था और मैं फिर अपने विलेज ढूंढने वाले काम पर ध्यान दे रहा था ताकि जल्दी से जल्दी मुझे एक न्यू विलेज मिल जाए। और मैं आगे एक्सप्लोर कर ही रहा था मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल गया। भाई साहब रेड कराने की तो मुझे ज़रूरत है, मतलब नहीं मतलब रेड तो अब मैं इस पिलेजर आउटपोस्ट से करवा लूँगा, ये नहीं कि मैं अपने वापस उस बेस में जाके पिलेजर आउटपोस्ट में जाके वहाँ से बैड ओमन लूँ। तो अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट लगा था बिकॉज मैं बहुत नूब मर ही जाऊँगा मुझे तो पक्का लग रहा था भाई, लेकिन मैंने इस पर गौर नहीं किया मेरे पास 23 एक्सपी लेवल है, ये सब वेस्ट हो जाएगा। मैं अब गया प्लीजर आउटपोस्ट की तरफ, मेरे साथ ये हुआ। नहीं यार भाई साहब मर गया भाई, कितना नूब हूँ मैं, एक पिलेजर्स को नहीं मैं मार पाया, नूब कहीं का। भाई साहब बड़ी मुश्किल से मैंने अपना सामान ले लिया था, एक और बार मैं मर गया था मैं सामान लेते लेते, बट कोई बात नहीं अब मिल चुका है सामान। और यहाँ पे मैं पिलेजर वाले बैनर को मार दिया। भाई साहब 23 एक्सपी लेवल से सीधा ही 3 एक्सपी लेवल तक पहुँच गया यार, क्यों मर गया मैं तो यार बहुत बड़ा नूब हूँ। I am noob. तो जल्दी से मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके चला गया और विलेज ढूंढने। भाई साहब इतनी बेइज्जती करा ली इन पिलेजर से, क्या ही करूँ यार, चलो जल्दी से जाते विलेज ढूंढने। एंड मैं एक चीज लेना भूल गया था अपने वहाँ वो उस वाले एसएमपी फोन में, अपने शुगर कैंस लेना। भाई साहब सब मैं ले आया इतनी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट, बट यार शुगर कैंस तो ले लेता, उनके फ़ायदे में चले जाएगा, वो लोग शुगर कैन से पता नहीं क्या क्या बना लेंगे। बट छोड़ो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत शुगर कैन मिल गया था और मैंने फिर ले लिया।
रास्ते में मुझे थोड़ा सा आयरन मिल गया था, 4 आयरन मिला था मुझे रास्ते से, और थोड़ा कोल भी मैंने ले लिया था। अबे यार कब मिलेगा विलेज? अरे भाई साहब वो विलेजर की छत यार, यानी मुझे विलेज मिल चुका है भाई साहब, फाइनली मुझे विलेज मिल चुका है। इतनी देर से मैं एक्सप्लोर करो, पता नहीं मैं कितने ज़्यादा ब्लॉक्स दूर हूँ अपने स्पॉन से, और चलो फाइनली विलेज मिल चुका है। अब विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेते, और मुझे पता ही है भाई जैसे ही मैं जाऊँगा रेड शुरू हो जाएगी। चलो भाई साहब अब रेड को डिफीट करते हैं हम गाइस, नीदर आप ये वीडियो देखें, वीडियो का मज़ा ले। हाँ तो गाइस पूरी डिटेल बताते हूँ रेड में क्या क्या हुआ। अरे भाई साहब इतनी छोटी सी रेड थी भाई, वो आया ही नहीं वोकर, वो लगता है मेरे से डर गया था इस वजह से आया नहीं। देख लो भाई सब लोग डर रहे मेरे से, ये वोकर आया नहीं भाई। टोटम चाहिए था मेरे को तो लगा था टोटम मिल जाएगा, और इतना थोड़ा सा सामान मिला, बस कुछ एमरल्ड मिले थे और आयरन के, मतलब वो पिलेजर्स को मार के मिलता है वो पॉकेट एडिशन में आयरन का सामान, और या फिर कभी कभी इंचांटेड मिल जाता है, बस थोड़ा बहुत सामान मिला था। बट एनीवेज और यहाँ पे भाई सब मैं विलेजर की चेस्ट खोल के देखी, मैं तो ऐसे ही कोबलस्टोन माइन कर रहा था, और उसकी चेस्ट में 7 ऑब्सीडियन प्लस 1 आयरन सोर थी। भाई साहब बहुत अमीर लग रहा है ये विलेज, बट यार ये विलेज इतना गरीब था, इसके इस विलेज के अंदर एक फार्म भी नहीं था। मैंने एक न्यू शील्ड बना ली बिकॉज मेरी वो वाली शील्ड टूट चुकी थी रेड में, और भाई साहब मैं कह रहा था ये विलेज बहुत गरीब है यार, इस विलेज के अंदर एक फार्म नहीं है, मतलब एक पोटैटो फार्म होता है यार, कुछ भी नहीं अंदर यार इस विलेज के, क्या यार ये अमीर, बस इसके शायद चेस्ट में वो सामान पड़ा है। एंड देन मैंने डिसाइड किया चलो यार कोई ट्रेडिंग हॉल बना लेते विलेजर्स के लिए, और फिर मैं आप ये पिक्स बनाता, और क्योंकि वो जगह के ज़्यादा मैंने प्यारा नहीं बनाया, बस एक डब्बा सा मैंने माइन कर दिया, अंदर विलेजर मैंने रख दिया। ये देखिए गाइस प्यारा सा अल्टीमेट कैसल, यस ये है हमारे विलेजर बाबू का प्यारा सा एक घर, जिसको कैसल भी कह सकते हो आप। ये तो छुट्टी है, और खुशी की बात ये है कि बेडरॉक एडिशन में एक क्लिक होती है विलेजर्स को इजीली लेकर जाने के, हम बोर्ड को लीज कर सकते हैं, लीड के साथ बांध सकते हैं, तो थोड़ा काम इजी हो गया विलेजर्स को उनके घर लेके जाने का। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और यहाँ पर फाइनली मुझे थोड़े बहुत पोटैटो मिल चुके थे, जिससे मैं विलेजर्स को ब्रीड कर सकता था, बिकॉज इस विलेज में एक भी नहीं था यार फार्म, तो चलो पोटैटोज मिल गए थे, और मैं लाया भी नहीं था कुछ पोटैटोज वगैरह, यहाँ पर मैंने विलेजर्स बंद किए, जल्दी से जल्दी जाते और ये पोटैटोज को वो ग्रो करने के लिए लगा देते हैं। और यहाँ पर एंडर पर गिरा हुआ था भाई सब, मैंने नहीं कुछ किया, ये शायद ये आयरन यहाँ पे एंडरमैन आया होगा, आयरन गोलम ने एंडरमैन को मार दिया और मुझे इसी बात पे एक फ्री पर्ल मिल चुका था।
एंड यहाँ पे मैंने एन्चार्मेंट टेबल जो मैं चुरा के लाया था। अरे नहीं भाई, चुरा के नहीं लाया था, अपनी मेहनत से बनाया था। और जहाँ तक मुझे याद है बुक शेल्फ भी मैंने ही बनाए थे। और अभी मैं एन्चार्मेंट टेबल का सेटअप बना रही हूँ। एन्चार्मेंट टेबल का सेटअप बनाने के बाद फिर मैं नेदर में जाऊँगा, ऑब्सीडियन का पोर्टल बनाऊँगा और फिर नेदर में जाकर मैं एक्सपी लेवल ग्राइंड करूँगा, 30 लेवल ग्राइंड करूँगा जिससे मुझे फॉर्चून मिलेगी, फॉर्चून से डायमंड माइन करूँगा, डायमंड माइन करके मैं फिर पूरा डायमंड का आर्मर बनाऊंगा। सोच रहे तेरी मानना पड़ेगा। फाइनली 30 XP लेवल तो हो गया था, बट मैंने थोड़ा और माइन किया ताकि 38 हो जाए। तो अब मैं इंचान करने वाला हूँ अपनी पिकैक्स को। भाई साहब फाइनली फॉर्चून 3 मिल चुकी है और वोट पे कोई अच्छी इंचार्मेंट नहीं मिल रही। और लेट्स गो भाई, चेस्ट प्लेट पर प्रोटेक्शन 4 मिल गई। चलो इसके अलावा वो अलग बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला, बट प्रोटेक्शन 4 तो मिल गई ना। और अब क्या मिल रहा है स्वॉर्ड पे देखते हैं। अनब्रेकिंग 3 मिली, लगा लेते हैं। अरे यार सिर्फ अनब्रेकिंग 3 दी, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, बाद में मैं इसको डिसएंचेंट कर लूँगा। फिर मेरे पास जो एक्सी मुझे जो रेड से मिली थी आयरन की एक्सी से, मैं वुड माइन करने लग गया जब तक इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम ना हो जाए। फिर मैंने 54 लोग माइन किया और उसको पकाने में लग गया ताकि चारकोल बना लूँ। और फिर टॉर्चेस बना ली मैंने और मैं चला गया फिर माइनिंग पे। माइनिंग पर जाने से पहले मैंने विलेजर्स की ब्रीडिंग करने का सोचा, तो मैं चला गया। मेरे पास 8 पोटैटोस थे तो मैंने सोचा इनकी ब्रीडिंग कर लेते पहले। और लेट्स गो इनकी ब्रीडिंग। अरे भाई साहब नहीं कर रहे, लगता शर्मा गए हैं। चलो मैं चला जाता हूँ, इनको करने देते ब्रीडिंग। चलो गए, मैं तो जा रहा हूँ माइनिंग पे। अब कंटिन्यू करते हैं अपने माइनिंग को। तो हाँ गाइस, बहुत सारी माइनिंग के बाद फाइनली मैं आपको अपनी माइनिंग दिखाता हूँ कि मुझे मैंने कितनी माइनिंग की है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे डायमंड मिले, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी फॉर्च्यून नहीं किया, बिकॉज आपको दिखाने थे कि यहाँ पे मुझे मिला डायमंड और एक आगे मिला था मुझे डायमंड यहाँ पे। हाँ तो गए,
ये मुझे मिल चुके डायमंड, अब मैं इन लोगों को, इन डायमंड्स को करने वाला हूँ फॉर्च्यून। पैसा ही पैसा हो गया। मस्त। तो अब मैं अपने बनाने वाला हूँ डायमंड का आर्मर। यस गाइस, तो यस गाइस फाइनली मेरा डायमंड आर्मर रेडी है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। प्लीज़ यार इतनी मेहनत लगी एडिटिंग में, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैं अपने कस्टम पीवीपी टेक्सचर पैक की वीडियो डालने वाला हूँ 500 सब्सक्राइबर पे, तो जल्दी जाओ यार सब्सक्राइब कर दो। हाँ तो गाइस, और मेरे पास 30 लेवल था एक्सपी, तो मैंने ट्राई किया कि किसी आर्मर के पीस पे प्रोटेक्शन 4 मिल रही है, और वही हुआ कि मेरे हेलमेट पर प्रोटेक्शन 4 मिल रही थी तो मैंने लगा ली, और साथ साथ एक्वा एफिनिटी भी मिल गई। तो फाइनली यार मेरा हेलमेट और चेस्ट प्लेट हो चुकी है इंचांट। बस मेरा वो लेगिंग्स और बूट को करना, और बाकी जो इंचारमेंट है मेंडिंग और अनब्रेकिंग से, बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लाइक नेदरराइट आर्मर पोर्शंस और पर्ल्स और बेस्ट आर्मर और स्वॉर्ड को अच्छी इंचारमेंट देना, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय।